कन्नौज जिले की रहने वाली एक मासूम बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई को लेकर शिकायत की है। आपको बता दें कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर महंगाई के कारण हो रही कठिनाइयों के बारे में बताया। छिबरामो कस्बे की रहने वाली लड़की ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आप बहुत अधिक महंगाई की है, यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबर भी महंगा हो गया है और मैगी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मुझे मारती है, मैं क्या करूँ, दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चुरा लेते हैं। मासूम बच्ची के गुस्से में आकर टूटी फूटी भाषा में लिखा पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली बच्ची के पिता विशाल दुबे पेशे से वकील हैं। उन्होंने कहा कि यह पत्र मेरी बेटी की मन की बात है। बेटी के लिखे हुए पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उसके जज्बातों को प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का निर्णय कर लिया। वहीं बच्ची के पिता बताते हैं कि जब उसकी माँ ने उसे स्कूल में पेंसिल खो जाने पर डांटा था तो वह इस पर नाराज़ हो गई थी। वहीं छिबरामऊ के SDM अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें इस छोटी सी बच्ची के पत्र के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से बच्ची की मदद करने के लिए तैयार हूं और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसका पत्र संबंधित अधिकारियों तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।